गुजरात के भरूच में लपटों का तांडव देखने को मिला। जी हां, दरअसल भरूच में एक यूपीएल कंपनी है। इस यूपीएल कंपनी में धमाके हुए और धमाके के साथ में आग लग गई। इस हादसे में 24 लोगों के घायल होने की खबर है। यूपीएल कंपनी में धमाके के बाद हड़कंप मच गया क्योंकि प्लांट में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। यूपीएल कंपनी के झागड़िया प्लांट में दरअसल ये ब्लास्ट होने से यहां पर आग लगी है। दूर से ही आग की लपटें देखी जा रही थी। देर रात ये हादसा हुआ। देखिए किस तरह का ये पूरा धमाका है। इस हादसे में 24 लोग घायल हुए हैं। दरअसल जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय वहां पर लोग भी मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पूरा पटेल जुड़ रहे हैं। पूरा, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी किस तरह की स्थिति है, कितने लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल जाना, देखिए अभी के स्थिति की बात की जाए तो आग बुझाने की कोशिश और मशक्कत जो है वो अभी भी जारी है। फायर विभाग की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है और जितने भी लोग फंसे हुए थे आज सवेरे तक, मैंने आपको बताऊं कि 24 इंजर्ड लोगों को बाहर निकाला है और उन्हें नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। दरअसल भरूच के पास एक इंडस्ट्रियल इलाका है झगड़िया, वहां पर केमिकल जो कंपनी है उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और उसके बाद जो केमिकल के बड़े बड़े कंटेनर है उसमें ब्लास्ट होना शुरू हो गए। तो जब आग की जो लपटें थी वो काफी विकराल थी। रात को नजारा काफी भयंकर नजर आ रहा था। इसी के कारण जो पूरे इलाके के जो दूसरे यूनिट्स है उसको बंद करवा दिए गए और जो फायर की जो टीम है वो अभी भी वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है क्योंकि केमिकल है उसको जलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि करीब 80 से 100 फायर ब्रिगेड के जवान वहां पर जुटे हुए हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अभी तक कोई फंसा है कि नहीं। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि जो सभी लोग थे वो इंजर्ड है और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल पूरब, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है।